जेपी नड्डा बोले हिमाचल की पतल में छेद हो चुका, केंद्र जनता को नहीं दे रहा, वो रास्ते से गायब हो रहा है। हिमाचल सीएम की दो भाषाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल सरकार पर शुक्रवार को तीखे हमले बोले। नड्डा ने कहा हिमाचल सरकार 100% भ्रष्ट हो चुकी है, केंद्र सरकार को जनता को दे रही है, वह रास्ते से गायब हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को 93,000 घर दिए, जब इनसे हिसाब मांगो तो हिसाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि हिमाचल की पत्तल में छेद हो चुके हैं। जेपी नड्डा ने कहा हिमाचल सीएम की दो भाषाएं हैं, जब सुक्कू चुनाव में आते हैं तो कहते हैं कि केंद्र से कुछ नहीं मिला, जब दिल्ली आते हैं तो कहते हैं कि हमें ये भी मिला वो भी मिल गया, धन्यवाद अब हमें ये दे दो ये दे दो। नड्डा ने कहा यदि केंद्र सरकार मदद ना करे तो हिमाचल सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी। केंद्र हर महीने 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के दे देता है, तभी हिमाचल सरकार सैलरी पेंशन दे पाती है। नड्डा ने कहा कांग्रेस पार्टी जहां भी होती है वहां जातिवाद, अलगाववाद, राष्ट्रीय विरोधी तत्व विराजमान होते हैं। कांग्रेस पार्टी का काम भाई को भाई, मजहब को मजहब से लड़ाने, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। कांग्रेस तो धारा 370 वापस लेने की शर्मनाक बात करती है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस पाकिस्तान से व्यापार और वार्ता की बात करती है। राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की बात करता है।